गोलगप्पे भारत के कोने कोने में बनाया और बेचा जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि क्षेत्र बदलने के साथ साथ इनके नाम जरूर बदल सकते हैं, लेकिन इनके प्रति हम भारतीयों की भावनाएं बिल्कुल नहीं बदल सकती। बता दें कि गोलगप्पा एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जो आपको हर पार्टी और हर शादी में दिखेगा। क्या आप जानते हैं कि आप जिन गोलगप्पे को बड़े चाव से खाते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है? गोलगप्पे की उत्पत्ति के पीछे दो कहानियां बहुत ज्यादा फेमस हैं, जिनमें से एक ऐतिहासिक है तो एक पौराणिक। वही ऐतिहासिक कहानी इसे मगध से जोड़ती है और पौराणिक कहानी के पीछे इसका संबंध महाभारत से दिखता है। पौराणिक कथा की माने तो जब द्रौपदी पांडवों से शादी कर घर आई तो उन्हें उनकी सास कुंती ने एक काम पकड़ा दिया। क्योंकि पांडव वनवास में थे तो इसलिए उनके पास कम ही संसाधन थे और उन्हें उसी के सहारे गुजर बसर करना था। दरअसल कुंती यही देखना चाहती थी कि द्रौपदी घर बार संभालने में कितनी कुशल है, इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को कुछ बची हुई सब्जियां और एक पूरी बनाने के लिए थोड़ा गेहूं का आटा दिया और टास्क दिया कि वह कुछ ऐसा बनाए जो उनके सभी बेटों के पेट भर सके। फिलहाल तभी द्रौपदी के दिमाग में पानी पूरी या गोलगप्पे बनाने का आइडिया आया। ऐसा माना जाता है कि जब नई नवेली दुल्हन द्रौपदी ने गोलगप्पे बनाकर पेश किए तो कुंती बहुत खुश हुई और द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। गौरतलब है कि गोलगप्पे का नाम महाभारत के क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग होता है। जैसे हरियाणा में इसे पानी बताशा के नाम से, मध्य प्रदेश में फुल्की, उत्तर प्रदेश में पानी के बताशे, असम में फुस्का, ओडिशा के कुछ हिस्सों में गुपचुप और बिहार, नेपाल, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में फुचका नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही अलग अलग तरह के गोलगप्पे का पानी जैसे चटनी, मसाला आदि भी शहर के साथ बदलता रहता है। अब गोलगप्पे चाहे द्रौपदी ने बनाए या फिर मगध में बनाया जाए, इसके बारे में दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह जिसका भी आइडिया था, आइडिया तो बहुत लाजवाब था।